धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। हमारी दुनिया में नारी शक्ति का जितना सम्मान भारत में है, उतना अन्यत्र किसी विकसित या विकासित देश में नहीं है। हमारी संस्कृति ने दुनिया को संदेश दिया है। हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर अनेकों विकसित विचारधाराओं वाले देशों के की महिलाएं भी आज भारतीय नारी जैसा सम्मान पाने के लिए, अपने देश की नागरिकता लेने के लिए उत्सुक हैं। हमारी संस्कृति का मानना है, यत्र पूजयन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के इस मंदिर में हम लोग जब कोई भी बात यहाँ रखते हैं तो वो पूरे देश के संज्ञान में आती है और पूरी अपनी सरकार उसको संज्ञान में लेती है। मेरा विषय यह है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम जो पूरे देश में चल रहा है, वो बहुत तेजी से हमारी बेटियों का बड़ा मनोबल बढ़ा है। अभी बीच में लगातार जो भी है उस लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, चाहे आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, अनेकों योजनाओं में बेटियों को बहुत सम्मान मिल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी का मैं एक दिन अभी जी टेलीविजन पे एक कार्यक्रम देख रहा था। कम टू द पॉइंट, महोदय बस एक मिनट लगेगा। उसमें जो अपनी महिलाओं की जो क्रिकेट टीम है, बच्चियों की, वो क्रिकेट टीम जो खेल करके जब आई तो उनका एक कार्यक्रम था, उसमें एक बेटी ने बोला कि मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ट्वीट किया। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी बेटियों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं तो माननीय वित्त मंत्री जी एक ऐसा प्रावधान कर दें कि जिस परिवार में केवल एक बेटी है या दो बेटियां हैं, मतलब बेटा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक केवल पॉइंट है, जहां पर केवल एक बेटी या दो बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, ऐसे उन परिवारों को उनके माता पिता को आयकर की जो धारा 80C है उसमें 1.5 लाख से बढ़ा करके उसको 2.5 लाख 3 लाख रुपए किया जाए। मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं। राजेंद्र अग्रवाल।